गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, हम चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें इससे पहले हमने नेचुरल फाइबर कॉटन की बात करी थी लास्ट लेक्चर में, अब सेकेंड बात करेंगे हम जूट। जूट भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। सबसे पहले जो कॉटन है वो इंडिया में मोस्टली मोस्ट मतलब सब पॉपुलर फाइबर है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जूट आता है, जूट सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर है आफ्टर द कॉटन, ठीक है। सबसे पहले कॉटन फाइबर मोस्ट पॉपुलर फाइबर है, नेक्स्ट सेकेंड इज जूट, क्योंकि ये चीपर होता है। जूट क्या होता है, जैसे कॉटन है, इसके अदर जो फाइबर्स होते हैं कॉटन सिल्क वूल जो कि नेचुरल फाइबर्स हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, पर ये जूट फाइबर जो होता है ये चीपर होता है। चीपर मतलब सस्ता होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, शाइनी मतलब चमकीला होता है, कोरस मतलब मोटा होता है, और स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, बहुत मजबूत धागा होता है, ठीक है। जूट से जो फाइबर मिलता है हमें वो एक तो सस्ता होता है, लंबा होता है, चमकीला होता है, मोटा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये जूट फाइबर आर आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर अगर पूछा जाए आपसे कि गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जो ये जूट फाइबर है आर प्रेजेंट आउटर पार्ट ऑफ स्टेम। जो ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जो प्लांट है उसके आउटर पार्ट स्टेम का जो पार्ट होता है वहां से हमें मिलता है। जैसे ये कोई भी पौधा है, जूट का पौधा है, ये नीचे जो उसकी क्या होती है रूट्स होती हैं, और ये लीव्स और फ्लावर, ठीक है। जो ये मोटा सा तना होता है बीच में इसको बोलते हैं हम स्टेम। तो जूट हमें, जूट फाइबर जो है हमें इसी स्टेम से मिलता है, ठीक है। कॉटन की बात करी थी तो कॉटन हमें कहाँ से मिल रहा था, उसके फ्लावर पार्ट में से मिल रहा था, पर जूट फाइबर जो हमें है वो इसकी स्टेम से मिलता है, ठीक है। जूट फाइबर आर प्रेजेंट आउटर पार्ट ऑफ स्टेम और इट ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब बात करें कि ये जूट फाइबर के लिए किस तरह का वेदर चाहिए, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, तो उसके लिए गर्म क्लाइमेट होने चाहिए और ह्यूमिड मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे रेन भी बहुत ज़्यादा होती हो, बारिश अच्छी खासी होती हो, वहाँ पे ये जूट फाइबर बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है, ठीक है। जूट फाइबर ग्रो बेस्ट इन लोमी सॉइल। लोमी का मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है वहाँ, उसमें ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। इन इंडिया वेस्ट बंगाल बिहार और असम में ये जूट की खेती करी जाती है और वहाँ पे ये जूट फाइबर बनाया जाता है। और इस पौधे की जो हाइट होती है वो 3 to 4 meter लंबा होता है और इसकी जो क्रॉप है, जो फसल है, हार्वेस्टिंग टाइम तक कब हम ले सकते हैं, 5 to 6 months लगते हैं इसकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग जब तक करेंगे, तो उसके लिए इस क्रॉप के लिए हमें 5 to 6 months लगते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो जनरल था कि जूट फाइबर होता क्या है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर होता है ये, जितना भी नेचुरल फाइबर है उस सब में सस्ता होता है, लंबा होता है, शाइनी होता है, इसका जो थ्रेड होता है मोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और जो ये जूट का जो पौधा होता है उसकी स्टेम से ये जूट फाइबर बनता है, ठीक है। इसके लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट और रेनी वेदर जो चाहिए होता है इस पौधे के लिए, और ये लोमी सॉइल जो चिकनी मिट्टी है उसकी ग्रोथ के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, और इंडिया में वेस्ट बंगाल बिहार और असम में ये खेती करी जाती है, और इसकी हाइट 3 to 4 meter होती है और 5 to 6 months लगते हैं इसको रेडी होने के लिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम रेटिंग, रेटिंग क्या होती है, रेटिंग का मतलब होता है अपगलन या किसी चीज़ को सड़ाना, ठीक है। तो ये जो जूट का जो फाइबर है, जूट फाइबर एक जैसे प्लांट हमने क्रॉप ग्रो करी, फसल ग्रो करी, तो ये जब क्रॉप इज रेडी 5 to 6 months के बाद जब ये फसल रेडी हो जाती है तो इसको बहुत ही ज़मीन के पास से इसको कट करा जाता है। जैसे ये पौधा है, ये ज़मीन है, तो उसके बहुत ही नज़दीक से कट करा जाता है, कट वेरी क्लोज टू ग्राउंड, ठीक है। और जो ये प्लांट होता है आर लेफ्ट इन फील्ड फॉर ए फ्यू डेज लेट द लीव्स फॉल ऑफ, और इसकी कटिंग के बाद इसको इसका बंडल बना के, ठीक है, बंडल बना के इसको कुछ दिनों के लिए वहीं पे खेतों में छोड़ दिया जाता है ताकि इसके जो पत्ते हैं, इस पौधे के जो पत्ते हैं वो झड़ जाएं
और हमें क्या चाहिए इसमें से, स्टेम चाहिए. तो प्लांट्स आर लेफ्ट इन फील्ड फॉर ए फ्यू डेज, लेट द लीव्स फॉल ऑफ. फॉल जब तक उसके पत्ते गिर जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए उसको खेतों में ही छोड़ा जाता है. स्टेम जो स्टेम के जो बंडल्स, स्टेम जो बचती है पत्ते गिर के उसके बाद जो स्टेम्स बनती है उनके बंडल बांध लिए जाते हैं एंड इमर्ज इन वाटर 3 to 4 weeks. मतलब लगभग एक महीने के लिए उन स्टेम्स के बंडल बांध के उसी खेत में पानी में डिप करके रखा जाता है स्टेम्स को बांध के, ठीक है. और दिस प्रोसेस ऑफ सोकिंग द स्टेम्स, जो स्टेम्स हैं जो तना है जिसको हम सोक करके रख रहे हैं, मतलब पानी में डिप करके रख रहे हैं 3 to 4 weeks के लिए, मतलब एक महीने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेटिंग, ठीक है. और जो ये सोक किया हुआ जो जो स्टेम हमने सोक करी, तो ये सोक क्यों करी जाती है, ताकि इसके टिश्यू ऑफ द स्टेम सॉफ्टन, जो इसके स्टेम के जो टिश्यूज हैं वो नरम हो जाएं एंड द फाइबर गेट सेपरेटेड, और जो हमें फाइबर चाहिए वो आराम से उससे अलग हो जाए. और ये किससे करा जाता है, बाय यूजिंग हैंड, एंड फिर उसको सुखाया जाता है और फिर इसको फैब्रिक बनाने के लिए बुना जाता है. तो जूट से हमें क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि आपने जूट के बैग देखे होंगे, जूट फाइबर से चटाइयाँ देखी होंगी, जो टार्ट्स होती हैं वो मेनली जूट से बनी होती हैं, ठीक है. जो जूट का हमने प्रोसेस पढ़ लिया कि किस तरह से हम जूट फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, अब इसके यूजेस पढ़ते हैं कि हम जूट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं. वैसे तो हम जूट बहुत ज़्यादा, मतलब थाउजेंड्स चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर कुछ इम्पोर्टेंट हम पढ़ लेते हैं कि किस किस चीज़ में जूट का जो फाइबर है वो हम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटीरियल, मतलब कुछ भी चीज़ को पैक करना है ना तो उसके लिए भी जूट का यूज़ किया जाता है. आपने स्टेशन पे देखा होगा जो जैसे वो होती हैं बाइक्स होती हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए जो कैरियर ट्रेन होती हैं उसकी पैकेजिंग आपने देखी होगी स्टेशन पे, तो वो कुछ ब्राउन कलर का उससे पैक करा होता है, तो वो मेनली क्या होता है, जूट होता है. स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है इसे, जैसे गिनी बैग्स बनाए जाते हैं. गिनी का मतलब होता है यहाँ पे जो टाट या चटाई होती है जो कि नीचे बिछाने के लिए यूज़ करते हैं कई बार, तो उन बैग्स को बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए मेनली आपको जूट की रस्सियाँ कॉमनली आपके घर में भी होंगी. जैसे कई बार मनी प्लांट को बांधने के लिए जूट की रस्सी को यूज़ में करते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट कारपेट बनाने के लिए, जो गलीचा होता है उसको बनाने के लिए, हैंड बैग्स बनाने के लिए जूट फाइबर का यूज़ करते हैं. और दिस फाइबर इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल, मतलब जो कपड़े बनाते हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज़ करा जाता है. नॉन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है. और लास्ट मेकिंग क्लॉथ्स, जूट के क्लॉथ्स भी बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं, स्लीपर्स भी बनते हैं और हैट्स, जो हैट्स होती हैं वो भी बनते हैं. तो बहुत सारे यूजेस हैं जूट के, जो कि जूट क्या है, एक नेचुरल फाइबर है. और जूट हमें कहाँ से मिल रहा है, स्टेम से मिल रहा है. और कॉटन की बात करी तो कॉटन हमें कहाँ से मिल रहा था, जो उसका फ्रूट प्रोडक्ट था, फ्लावर प्रोडक्ट था, वहाँ से हमें कॉटन मिल रहा था. जूट हमें कहाँ से मिल रहा है, स्टेम से मिल रहा है, ठीक है. यहाँ पे ये जूट का टॉपिक फिनिश होता है. नेक्स्ट नेचुरल फाइबर की बात करते हैं हम, तो कॉटन के बाद हमने पढ़ा जूट और अब पढ़ेंगे हम वुलन, ठीक है. वूल क्या होती है, ऊन, ठीक है. ऊन हमें कहाँ से मिलती है, ऊन हमें मिलती है हेयर ऑफ एनिमल्स. कौन कौन से एनिमल्स से, शीप से, गोट से, कैमल से और रैबिट से, ठीक है. ये जो एनिमल्स हैं इनसे हम वूल, मतलब ऊन फाइबर लेते हैं, ठीक है. इसमें एक प्रोसेस आता है शेयरिंग, एक टर्म आती है शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब होता है ऊन कतरना, मतलब जैसे शीप है उसकी बॉडी में से जब ऊन को काटा जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग. शेयरिंग क्या होता है, रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप, ठीक है. जब कोई भी एनिमल है या शीप है उसकी बॉडी से जब हम वूल काटते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम शेयरिंग, ठीक है. जब हम उस शीप से हमने ऊन ले ली, वूल ले ली, ठीक है, तो उसको क्लीन करा जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है. वॉश करने के बाद उसको स्पन किया जाता है इनटू फाइबर, मतलब वॉश करने के बाद उसको स्पन किया जाता है, फाइबर बनाया जाता है उसका. फाइबर बनाने के बाद देन वोवन नीटिंग, या उसको बुना जाता है, या नीटिंग उसको उससे नीडल से बना वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं. वुलन क्लॉथ हम विंटर में यूज़ करते हैं,
वुलन क्लॉथ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये रिटेन बॉडी हीट, जो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देता और हमारी बॉडी को गर्म रखता है, इसलिए वुलन क्लॉथ क्लॉथ्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वूल। ठीक है, ये वूल कहाँ से मिल रही है, हम इन एनिमल से मिल रही है, एनिमल गोट शीप रैबिट से, और इसमें एक प्रोसेस आता है शेयरिंग। शेयरिंग का प्रोसेस होता है रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप। ठीक है, शीप से हमने ले लिए हेयर्स, फिर उसको क्लीन करा जाता है, वॉश किया जाता है, फिर उसको स्पन करा जाता है, उसका फाइबर बनाया जाता है, उस फाइबर से वुवन करके, उसकी बुनाई करके, निटिंग करके हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेचुरल फाइबर की बात आती है सिल्क की। ठीक है, सिल्क भी एक क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइबर है। ये सिल्क जो है सबसे पहले चाइना में बनना शुरू हुआ था, चाइना वालों ने बनाया था सिल्क फाइबर। ठीक है, ये किससे बनता है, ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के जो कीड़े होते हैं उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। तो ये फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ मतलब जो सिल्क का जो पतंगा होता है, जो फ्लाई होती है, जिसको हम पतंगा बोलते हैं, ये फाइबर वहाँ से ऑब्टेन करा जाता है। कोकून मतलब वो बॉल सी बनाता है जिसमें कि सिल्क फाइबर रहता है। ठीक है, ये जो पतंगा होता है, सिल्क वॉर्म जो रेशम का कीड़ा होता है, वो पत्तियों पे रहता है। तो कौन किस प्लांट की पत्तियां होती हैं, मलबेरी प्लांट मतलब शहतूत की पत्तियां खाता है ये वाला सिल्क वॉर्म। फिर उस सिल्क वॉर्म जो होता है वो सिक्रीट करता है अनब्रोकन फाइबर कोकून अराउंड इट्सेल्फ। ठीक है, ये अपनी जब ये डेवलप होता है तो अपनी बॉडी के चारों तरफ कोकून बनाता है। कोकून के अंदर क्या रहता है, सिल्क फाइबर रहता है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम से समझते हैं, जो भी फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो बहुत सारे टिनी एग्स देती है, छोटे 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 अंडे देती है। फिर ये अंडे जब इनको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है, फिर इनकी जब हैचिंग होती है, जब ये अंडे फूटते हैं, तो इसमें से जो कीड़े निकलते हैं वो क्रॉल होके शहतूत की पत्तियों पे आ जाते हैं, और ये बहुत दिनों तक, लगभग एक महीने तक शहतूत की पत्तियां खाते रहते हैं और डेवलपिंग बड़े होते जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद ये पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और कोकून जो सिल्क है, फाइबर है, उसको बनाना शुरू कर देते हैं, सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो डेवलप हो जाते हैं तो उसके अंदर प्यूपा बन जाता है, और जो अंदर से जो एग से जो कैटरपिलर बना था, कैटरपिलर से प्यूपा बन जाता है। प्यूपा के बाद वो एडल्ट मोथ बन जाता है, पतंगा बन जाता है, फ्लाई बन जाती है, फिर वो उड़ जाती है, और जो इसका प्यूपा जो कोकून बना के छोड़ता है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सिल्क फाइबर होता है। ठीक है, इससे इस तरह से सिल्क से हम सिल्क फाइबर। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, वो कि एक फाइबर सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं कोकून। ठीक है, कोकून को और ये शहतूत के पत्तों को खाते हैं, ये सिल्क वॉर्म वहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इनको पाला जाता है, एक अलग से टेम्परेचर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर होता है द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रेयरिंग होता है पालन पोषण करना, किसी चीज को पालना। ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, जो हमें सिल्क फाइबर चाहिए उसकी प्रोडक्शन के लिए इन सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेरिकल्चर। ठीक है, कभी भी टर्म आएगी सेरिकल्चर क्या होता है, तो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म जो रेशम के कीड़े हैं उनका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि हमें उसके उस वहां से सिल्क की प्रोडक्शन चाहिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेरिकल्चर। ठीक है, और जो ये सिल्क होता है, सिल्क इज कॉस्टली फाइबर, बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, बाकी जो फाइबर, हमने जूट की बात करी, जूट बहुत ही चीपेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, पर ये जो सिल्क फाइबर होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, चमकीला होता है, और बहुत ज़्यादा नरम होता है, स्मूथ होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है ये। ठीक है, जितने भी नेचुरल फाइबर हमने पढ़े, वूल पढ़ा, ठीक है, वूल पढ़ा, जूट पढ़ा और कॉटन पढ़ा, ठीक है, इस नेचुरल फाइबर में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन होता है, सिल्क होता है। ठीक है, और ये सिल्क फाइबर जो होता है इसको हम डाइड इजीली कर सकते हैं, मतलब किसी भी कलर में इसको हम डिप करके, डाई करके इसको, इसका कलर दूसरे कलर में चेंज कर सकते हैं, तो ये डाइड इजीली हो जाता है। और सिल्क फाइबर यूज टू वीविंग क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा कि सिल्क की साड़ीज, आपने सुनी होगी कि सिल्क की साड़ीज बहुत महंगी आती हैं,
कुर्ता बहुत महंगे आते हैं जो सिल्क के फाइबर से बने होते हैं, शॉल्स बनती हैं, और अदर वेडिंग ड्रेसेस जितनी भी शादी की ड्रेसेस होती हैं वो मेनली किससे बनी होती हैं, सिल्क फाइबर से बनी होती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। कॉस्टली क्यों होती है? कॉस्टली फॉर इट्स लस्टर, लस्टर मतलब चमकीलापन होता है सिल्क फाइबर में, एंड फाइन क्वालिटी। इस फाइन क्वालिटी की वजह से ये सिल्क फाइबर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये था सिल्क के बारे में कि सिल्क कहाँ से मिलता है। सिल्क के कीड़ों से मिलता है, शहतूत के पत्ते खाता है, और सेरीकल्चर जो प्रोसेस है वो जो पालन पोषण करते हैं हम रेशम के कीड़ों का, उनको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये था टॉपिक सिल्क के बारे में। थैंक यू।